अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ जायके में। नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं सऊदी अरेबिया का लेजेंडरी फ्राइड चिकन अलबैक चिकन। जी हाँ, ये काफ़ी हद तक वैसे ही आपको जायका देगा इंशाल्लाह। जो लोग सऊदी जा चुके हैं वो इसके जायके से बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो ये कितना बेहतरीन होता है और जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो चलें शुरू करते हैं अलबैक चिकन बनाने की रेसिपी आपको बताना। यहाँ पर हमने 2 किलो चिकन लिया हुआ है, यानी 2 चिकन है और उनको 9 पीसेस में कट करा लिया है। पीसेस देखें आप कितने बड़े बड़े पीसेस हैं, ये इस तरह से पीसेस करा लेने हैं। एक चिकन का साइज थोड़ा छोटा था तो उसका लेग और अपर थाई जुड़ा हुआ है, इस तरह से हमने ले लिया है, लेकिन पीसेस आपने बड़े ही लेने हैं। मसालों में इसमें जो सॉसेज जाएंगी वो हम आपको बताते हैं। उसमें हमने ली है अमेरिकन गार्डन की हॉट सॉस, ये देखें ज़बरदस्त जायके की होती है। तो ये ली है हमने 3 टेबल स्पून भर के अच्छे से, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप रेड चिली सॉस लेनी है, लेकिन रेड चिली सॉस से भी ज़्यादा जायका मुझे ये विबा की सिराचा का लगा, जो चिली गार्लिक सॉस है। इसका टेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। मैं 4 बार बना चुकी हूँ ये चिकन और बहुत ज़बरदस्त जायकेदार बना था। अगर सिराचा ये नहीं है आपके पास विबा का, तो आप रेड चिली सॉस ले सकते हैं। तो रेड चिली सॉस यहाँ पर हमने 2.5 टेबल स्पून ली है, यानी 2.5 बड़े चम्मच। तो इसको हम इसमें शामिल कर देंगे हॉट सॉस में। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमने लिया हुआ है 1/2 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, तो इसको भी आपने इसमें डाल लेना है। मैरिनेशन सारा आपने एक जगह ही करना है पूरा। लाल मिर्च का पाउडर जो नॉर्मली आप घर में यूज़ करते हैं, ये वो लाल मिर्च का पाउडर है। ये मीडियम स्पाइसी है, अगर आपके पास स्पाइसी है मिर्च तो आप उसके अकॉर्डिंग डालें। तो यहाँ पर हमने ली हुई है 1 चाय का चम्मच। अब इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मैरिनेट करने के लिए 2 तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, जो सबसे मोटा वाला इंजेक्शन होता है, सिरिंज होती है, उसमें मैंने मैरिनेशन के लिए इसको सबसे पहले ट्राई किया था। तो उससे जो ये था हमारा इंजेक्शन, उसमें तो सारा लिक्विड आ गया था, लेकिन नीडल में से बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा था मैरिनेशन। तो फिर मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया है मैरिनेशन इंजेक्टर। इसके साथ 2 नीडल आई हैं। एक नीडल ऐसी है कि जिसमें आप देखें ये 3 होल हैं, ऐसे 3 3 होल हैं सब साइड में, और ये थोड़ी पतली है। और एक है थोड़ी सी मोटी नीडल और उसमें आगे ये होल बना हुआ है, इसमें और कहीं पर कोई होल नहीं है, बस एक होल दिया हुआ है। तो ये तो काफ़ी मोटा है, क्योंकि चिकन हमारा इतना वैसा नहीं है मोटा, तो चिकन हमारा उसके हिसाब से हम ये वाली नीडल से काम करेंगे, ठीक है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ये स्पेशली मंगाना पड़ा है, क्योंकि ये अलबैक चिकन मेरा भी बहुत फेवरेट है। तो चले अब इसको हम इंजेक्ट करते हैं मसाले को। तो इसको हम साइड कर देंगे। एक बार वापस मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है। जब कोई भी हम रेसिपी बनाते हैं तो प्रैक्टिकली हम पहले उसको काफ़ी टाइम बनाते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाया, तो जो ये चिकन के पीसेस हैं इसको मैंने फोक से अच्छे से इस तरह से प्रिक कर दिया था, ताकि मसाला जो है वो और अच्छे से चिकन के पीसेस में चला जाए। बस हल्का हल्का सा प्रिक कर दें, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसमें हमने मसाला भी इंजेक्ट करना है। अब जैसे कि ये लेग अपर थाई जुड़ा हुआ, इसमें हमने कर दिया, ये है, इसमें भी हम इस तरह से कर देंगे, तो मसाला जो है वो आपका और अच्छे से अंदर तक चले जाएगा। तो इस तरह से आप सारे पीसेस को कर दें। ये देखें, विंग का पीस है, ये काफ़ी आगे पतला होता है लेकिन पीछे से थोड़ा मोटा होता है, तो इसमें भी आपने इस तरह से थोड़ा डीपली कर दें, तो आपका जो चिकन है वो अंदर से अच्छे से काफ़ी टेस्टी हो जाएगा, अंदर तक जाएगा जब इसका मैरिनेशन। तो इस तरह से कर दें, इसको हम सब कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह से पहले आप कर लें, उसके बाद मसाले हम इंजेक्ट करेंगे। तो फोक से हमने सारे पीसेस को अच्छे से प्रिक कर दिया है, और जो बहुत ज़रूरी है
क्योंकि मैंने 4 टाइम बनाया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मसाले बहुत ज़्यादा अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब कर लिया था चिकन ने। तो इस तरह से आप हल्का हल्का प्रिक कर दें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मसाले को इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन के अंदर। थोड़ी सी मिर्च यहाँ रह गई है मिक्स होने से, ये आपने बहुत ध्यान रखना है कि ये जो सॉस है, सारे लिक्विड्स जो आपने सॉसेस के बनाए हैं, ये पतला ना हो जाए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, अदरवाइज वो क्या होगा, चिकन के अंदर फैल जाएगा, और जो कि हमने नहीं करना है, चिकन में फैलना नहीं चाहिए। इसको बस अच्छे से इस तरह से करेंगे हम, ये देखें ये अच्छे से फिल हो गया इसके अंदर, ये आप देखें अच्छे से फिल हो गया। अब इसे हम क्लीन कर देंगे, इसके मुंह को अच्छे से इस तरह से पोंछ देना है आपने। पोंछने के बाद ये नीडल आपने यहां फिट करनी है, देखें ये फिट हो गई। अब आपने पीसेस को उठाना है और इस तरह से आपने इसमें जिस तरह से इंजेक्शन लगाते हैं वैसे ही आपने इसमें प्रिक करना है, ये देखें आप, और इसको प्रेस करना है। ये आप देखें मसाला इसमें से निकलता हुआ आपको मालूम दे रहा होगा, ये देखें काफी प्रेशर से होता है तो ये उड़ भी जाता है, तो मसला नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जैसे जैसे आप मसाला इसमें इंजेक्ट करेंगे पीसेस आपके थोड़े फूल जाएंगे। अच्छे से आप इसमें सब में मसाले को इस तरह से इंजेक्ट कर दें। सारा मैरिनेशन चिकन में अच्छे से इंजेक्ट हो गया है, थोड़ा सा बाउल में जो लगा हुआ है उसको इस तरह से आप क्लीन करके इसके ऊपर डाल दें। इससे क्या होगा, जो आपने इसमें मार्क लगाए हैं, जो फोक से प्रिक किया है, उससे इसका जायका जो है ये और अच्छा अंदर तक ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक मैरिनेशन, अब दूसरा मैरिनेशन हम कर लेते हैं। जब आप ये बनाएं अलबैक चिकन तो फोक से प्रिक करना ना भूलें, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने जो किया है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने उस तरह से करेंगे तो आपका चिकन बहुत अच्छा अंदर तक टेस्टी बनेगा। तो इसका ये हो गया एक मैरिनेशन रेडी। अब दूसरा मैरिनेशन हम आपको बताते हैं कि आपने दूसरा मैरिनेशन क्या करना है। चिकन में जितनी भी सॉसेस थी वो पूरे तरीके से इंजेक्ट हो चुकी हैं, वो अंदर का मैरिनेशन हुआ। अब ऊपर से इसको हमने मैरिनेट करना है, तो उसको मैरिनेट करने के लिए 2 किलो चिकन के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं सिट्रिक एसिड, या आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, ये हमने लिया है 1/2 चम्मच। इसको पैक करके रख देते हैं। ये देखें ब्लू बर्ड का सिट्रिक एसिड। चिली फ्लेक्स हम ले रहे हैं यहाँ पर 1.5 चाय का चम्मच। बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं बना रही हूँ, अगर आपने स्पाइसी बनाना है तो आप लाल मिर्च इसमें ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून और आधा, और यानी
डेढ़ टेबल स्पून तकरीबन आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालें, मस्टर्ड पाउडर वो हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये जो चीजें हैं इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छे से इनहेंस होता है, तो ये हम ले रहे हैं एक चाय का चम्मच, ये देखें एक चाय का चम्मच आपने ले लेना है, बहुत ज्यादा भरना नहीं है, बस लेवल से ले लेना है। अब जाएगा इसमें बस नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट, वैसे तो अलबैक चिकन जो यूज करते हैं, जो बनाते हैं जो कंपनी, वो इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर डालते हैं, लेकिन मैंने एक बार जिंजर गार्लिक पाउडर डालकर बनाया था, तो मुझे जो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर बनाने से ज़बरदस्त जायका लगा था, वैसा पाउडर से नहीं लगा था। ऑफ कोर्स वो लोग तो प्रोफेशनल हैं, तो हम उनके लेवल तक नहीं पहुँच सकते, सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकली मैंने बनाया है वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर चिकन क्योंकि थोड़ा सा वैसा स्मेल करता है चिकन, तो इस हिसाब से हम दो चिकन के हिसाब से दो टेबलस्पून यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रहे हैं, ये हमारा घर का पिसा हुआ है, आप देखें जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मैं पीसती हूँ, ऊपर से ऑयल डाल देती हूँ कि जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा ख़राब ना हो, तो वैसे ही ये मेरे बना के फ्रेश फ्रेश रखा हुआ था। तो चलें बस इसमें हम नमक और शामिल कर लेते हैं और मैरिनेशन हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ हम शामिल कर रहे हैं दो चाय का चम्मच नमक, या पहले डेढ़ डाल के देखते हैं, डेढ़ चम्मच डाल दिया है, अगर कम लगा तो इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इन सारे मसालों को आप एक जान कर लें अच्छे से, अदरक लहसुन में पाउडर होगा तो वैसे ही पाउडर में मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये गीला अदरक लहसुन पेस्ट होता है तो आप इसे इस तरह से मिला लें, और उसके बाद सारे मसाले को हम चिकन में मैरिनेट कर देंगे, चिकन के ऊपर लगा देंगे। अगर सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप एक नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं आराम से। तो चलें, मसाला हमारा मिक्स होके पूरा रेडी हो गया है, बस अब हमने इसको चिकन पे लगा देना है। अच्छे से पूरे चिकन पे आप इसको रब कर दें ऊपर नीचे अच्छे से, सब के सारे पीसेस में मसाला आपका अच्छे से लग जाए। मसाला हमारा सब पूरा इसमें मैरिनेशन का लग गया है, अब इसको हम जो बाउल है इसको क्लीन कर लेंगे और क्लिंग क्लिंग में इस पर लगा देंगे, लगाने के बाद इसको रख देंगे फ्रिज में। तो देखें कितना ज़बरदस्त अच्छे से हमने इसको रैप कर दिया है, अब इसमें क्या होगा कि इसकी स्मेल जो है वो फ्रिज में आपके किसी भी कोई फ्रूट रखा हो या कोई खाना रखा हो उसमें इसकी स्मेल नहीं जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना है, डबल ट्रिपल आपने इसको अच्छे से कवर कर देना है। बस इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे और फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे, इसको तकरीबन मैं एक से डेढ़ दिन रखूंगी और जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करके आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, और जैसा कि हमने बताया था इसको ओवरनाइट हमने मैरिनेट किया है, अगर एक पूरा दिन भी लग जाए तो मसला नहीं है, और यहाँ हमने हाफ के जी मैदा ली हुई है, कुछ पीसेस हमने कोट करके रखे हैं, अब अभी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह आपने इनको कोट करना है। तो एक पीस उठाना है
मैदा में इस तरह से आपने खूब अच्छे से इसको मैदा को लपेट देना है इसके ऊपर। दो से तीन बार इस तरह से आप इसमें घुमाएं ताकि मैदा इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। देखें इस तरह से, और इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो इस तरह से ही हम सारे पीसेस कर लेंगे। बाकी पीसेस को हम फिलहाल एक डब्बे में डाल के रख देते हैं, क्योंकि ये अभी हमने इतने ही फ्राई करना है थोड़े। तो मसाला इसमें अच्छे से लगा के इसको हम साइड कर देते हैं, और थोड़ा सा मसाला हम ये जो बड़ा प्याला है हमारा उसमें रहने देंगे। थोड़ा सा मसाला भी हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम साइड कर देते हैं। वैसे तो डबल कोट करने का तरीका यह है कि पीसेस को आपने पानी में डिप करना है, ठंडे पानी में, और उसके बाद आपने वापस से मैदा में डस्ट करना है। लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें काफी गीलापन होता है, ये आप देखें काफी गीलापन होता है, मसाला भी होता है। तो इन पीसेस को हम वापस इसमें ही डाल देंगे, क्योंकि मैं पहले इस तरह से ही बना चुकी हूं तो हमको पानी में डालने की जरूरत नहीं होती है। और इसको हम एक बार इस तरह से घुमा लेंगे ताकि ये थोड़े से गीले हो जाएं पीसेस, और मसाला भी इसके ऊपर कोट हो जाएगा। देखिए जो पानी में डलने का काम होता है वो हम यहां ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा तरीका है। देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम वापस एक एक पीस को वापस उस तरह से ही डस्ट करेंगे, सॉरी इसमें डिप करेंगे मैदा में, ताकि क्रम जो है हमारे वो अच्छे से बन जाए। अच्छे से दबा दबा कर आपने इसको कोट कर लेना है। देखें अब देखें कितने फर्स्ट क्लास इसके क्रम बन गए हैं, आप पास से देखें कितने बेहतरीन इसके क्रम बन गए हैं। बस ऐसे ही हम सारे पीसेस को कर लेंगे। सारे पीसेस को हमने डबल से कोट कर लिया है और बहुत अच्छे इसमें क्रम बन गए हैं, आप देख सकते हैं। एक कढ़ाई में हमने डीप फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म करने रखा हुआ है, और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, बस इसे अब हमने फ्राई करना है। ये बची हुई मैदा इसको हम छान के रख देंगे फ्रिज में। मैदा को कभी भी इस तरह से आप बाहर ना रखें, क्योंकि मैदा खराब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमने इसमें गीला चिकन डाला हुआ होता है, और चिकन क्योंकि हमने एक ही चिकन हम बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, मैरिनेट हमने 2 किलो चिकन किया था लेकिन फ्राई हम 1 कर रहे हैं, तो मैदा को भी हम छान के इसको फ्रिज में रख देंगे कि जब हम वो चिकन फ्राई करेंगे तो हमारी ये मैदा हमें एकदम फ्रेश फ्रेश और अच्छे से यूज़ हो जाएगी। तो इसको हम रख देते हैं साइड और चलते हैं इसको डीप फ्राई करने की तरफ। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, काफ़ी सारा ऑयल लिया है इसको डीप फ्राई करने के लिए। बस अब आपने क्या करना है, एक एक पीस को उठाना है और इसको इस तरह से इसमें डाल देना है। जब भी आप चिकन डालें तो फ्लेम आपने स्लो नहीं करनी है, अच्छे हीटेड ऑयल में आपने डालना है ताकि मैदा जो है वो अच्छे से पकड़ ले, यानी टाइट हो जाए, और उसके बाद फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम पे कर देंगे ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छे से पक जाए। ये देखें होने लगा, काफ़ी गोल्डन सा ये हो गया है, मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगी।
ये आप देखें पीस कितने कड़क हो गए हैं। बस अब हम फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे और इसको अच्छे से अंदर तक पकने देंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से अंदर तक पकने के लिए। जितना आप अच्छे से कोट करेंगे आपका ये अलबैक चिकन उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। और मैरिनेशन तो इसका मेन है ऑफकोर्स, तो मैरिनेशन का भी आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह से हमने बताया है घर बैठे आप सऊदी अरेबिया का ये लेजेंडरी अलबैक चिकन घर पे इंजॉय कर सकते हैं आप। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, ये आप देखें कितना बेहतरीन होकर चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। आप देख सकते हैं पीसेस, बस थोड़ा सा इसे हम और फ्राई करेंगे। ये देखें आप कितने बेहतरीन और बढ़िया पीस फ्राई हो रहे हैं। यहाँ हमने इसको निकालने के लिए एक ट्रे में पेपर नैपकिन इसमें बिछा लिया है ताकि जो भी एक्सेल ऑयल है वो इधर ही रह जाए जब आप सर्व करें। तो पीसेस हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, बस इसे अब हम निकालेंगे। ये देखें इस तरह से हमने पेपर नैपकिन बिछाया हुआ है और पीसेस को अब हम इस पे निकाल रहे हैं। इन पीसेस को हम थोड़ा सा और होने देंगे और ये देखें कितना बेहतरीन अलबैक चिकन बनके रेडी हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लजीज ये बना है। तो रीजे नाजीन ये ज़बरदस्त अलबैक चिकन बनके रेडी है। इसे हमने गार्लिक डिप के साथ सर्व किया है, जो अलबैक की सॉस होती है स्पेशली वो हमने इसमें सर्व की है। और आप अगर चाहें तो इस रेसिपी को भी हम अपलोड कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे भी प्लान तो है के इस सॉस को भी हमने अपलोड करना है, वीडियो बनाना है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।